that, you know that we deposit. The money rain, the money fall, I spend it all on Molly. Gon' give me sloppy like them, I could never feel it. You could never feel it. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लीन ऑन व्हील्स। तो जैसा कि आपने अभी भाई सिनेमैटिक शॉट्स देखे होंगे यामा R6 के, तो भाई आज की जो ये वीडियो है अपनी यामा R6 के ऊपर होने वाली है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ। तो मेरे साथ है अभी भाई यहाँ पे साहिल भाई। तो इन दिस वीडियो भाई हम बात करेंगे साहिल भाई से कि भाई कैसे इस बाइक को इम्पोर्ट कराया, क्योंकि भाई ये बाइक बहुत रेयर है और भाई के ड्रीम बाइक थी तभी इम्पोर्ट कराया, क्योंकि हर कोई बंदा तो लेता भी नहीं है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई और इसे ऑन करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम लोनी में आती है, क्या नहीं आती है और क्या क्या भाई ने मॉडिफिकेशन कर रखी है, ये सब टॉपिक हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले साहिल भाई से पूछते हैं, भाई ये कौन सा मॉडल है अपना? 2014 मॉडल। आपने बाइक कब ली थी? डेढ़ साल आप ऑन कर रहे हो। तो जब आपने बाइक ली थी तो कितने किलोमीटर चली हुई मिली थी आपको, आइडिया लमसम? मैंने चेकिंग किया भाई। और आपने लेने के बाद लमसम कितना चलाया थी? थोड़ी बहुत ही चलाई है भाई, कहीं ज़्यादा कोई लॉन्ग ड्राइव तो लेके नहीं गया। तो भाई जब आपने डिलीवरी ली थी बाइक की तो क्या फीलिंग थी? भाई बहुत खुशी हुई थी, बस ड्रीम बाइक आ रही है और वो 6-7 साल से वेट कर रहा था मेरे साथ। मैं सबसे पहले मैं इसको ही लेने गया था, करोल बाग एक डीलर है वहाँ पर, है ना। तो बोला भैया R6 चाहिए, पहले तो मुझे पता नहीं था, मैं इसको R1 समझता था जो यहाँ पर इंडिया में है, छोटा ही था मैं। पापा ने मुझे R15 दिला दी थी, मैं कौन सा वर्जन है मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं उसको लेके खुश। फिर जब ये मैंने कहा यार वो अलग है, ये चीज़ अलग है, मैंने कहा ये ला दी, वहाँ से एक ड्रीम बन गया कि भाई ये ले। बस वहाँ से ड्रीम बन गया था। तो फिर थोड़ी सी समझ आई बाइक के बारे में, वो नॉलेज नहीं कि ये कितने की है, ये इसमें क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, बस इसका लुक, यार ये लुक चाहिए मुझे बाइक। तो मैं करोल बाग जाता हूँ, मैं उस भैया को बोलता हूँ, मैंने कहा भैया R6 चाहिए, उसने मना कर दिया, भाई मैं नहीं लूँगा ये है वो है। तुम्हें पैसे, मैंने कहा मैं पैसे तुम्हें कितने चाहिए, मैंने उसको पैसे भी बोल दिए, मैंने कहा दे दूंगा इतने की। तो उसने मुझे CBR 650 उसने मुझे वो दे दिया, मैं बोल दिया वो चलाई मैंने, उसमें मज़ा नहीं आया। फिर मैं उसको वापस, मैंने कहा भैया वापस ले लो, फिर मैंने कहा उससे R6 दे दो, फिर उस भैया ने मुझे वो दे दी वो सुजुकी रिक्सर। उसमें इतना नुकसान हुआ ना उस बाइक को दी मैंने, CBR को देने के बाद इतना नुकसान हुआ, लेकिन मैंने कोई बात नहीं, वो चलाई वो खराब हो गई, चलते चलते खराब हो गई वो अपना। फिर वो वापस दी, फिर बोला भाई को, मैंने कहा भैया R6 दे दो, उसने नहीं बोला। एक भाई है थोड़े ज़्यादा स्लो है मेरे, उन भैया ने ढूंढी बाइक मंगाई, फिर मैंने कैसे कैसे पैसे, एक टाइम ये था कि भाई आज पैसे दो ना 3 लाख रुपये कम पड़ते थे, यार आज पैसे दो ना तो ही बाइक मिल पाएगी, नहीं तो कल मिली बाइक। मैंने पता नहीं कैसे कैसे करके अल्लाह ने करवाया भाई, वो 3 लाख रुपये किए, मैंने उनको पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे जबकि मैं उन्हें जानता भी नहीं। हैदराबाद से मंगाई थी शायद, 3 दिन लगे वहाँ से आने में, और वो 3 दिन तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गए थे काट नहीं आ रही होगी बिल्कुल। मैं बार बार से भाई को कॉल करता, मैंने भाई हो गई पैक, भाई कितने पैक हो गई, भाई एक बार वीडियो कॉल पर निकालो भाई। ये बस फाइनली आने वाली थी रात को, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी भाई। वो भैया भी मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा था, वो मतलब मैं जो मेरी एक्साइटमेंट थी ना उस टाइम, तो वो पूरा उसमें साथ दे रहा था कि ना लो भाई ये ऐसे पैक हो रही है, एक एक चीज़ की वीडियो भेज रहा था। उसने मुझे एक कॉल की, मैं एकदम उठ गया 7 बजे, भैया ने बोला वो सुहेल नाम है उनका, सुहेल भाई ने मुझे बोला भाई बाइक आ गई आ जाओ। मैं इतनी तेज गया, उठ गया, मैंने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, टाइम ठंड हो रही थी, बस खाली जैकेट पहनी मैं सीधा बाइक ले। ठंड में फिर जब ये मेरे 4-7 साल बाद ये मेरे सामने, इस चीज़ को मैंने सिर्फ एक बार देखा अपने आंखों से जाते हैं, बाकी मैंने यूट्यूब पे देखा या ऐसी फोटो वोटो देखी है इंस्टा पे, अब उस चीज़ को मैं सामने देख रहा हूँ तो मुझे सोच रहा था कितनी खुशी होगी मुझे। बिल्कुल वो तो टाइम मैं भूल नहीं सकता, जब ये मेरे सामने आई उन्होंने उसे वो पैक की है पूरी पूरी, पता नहीं कैसी वो बोरी टाइप में पैक की है उन्होंने, काटी, मैंने यार फाड़ दो इसे जल्दी से हटाओ, मुझे बाइक दिखाओ कैसी है, मैं इसको हाथ लगाऊंगा। तो मैंने इसको अच्छे चेक किया, यार बाइक आ गई तब वो फीलिंग मिला। मैं कैमरा ऑन किया रात को 1 बजे, मैंने कैमरा इसकी तरफ घुमाया, मैंने यार बाइक देखो खड़ी है भाई, सोते सोते ही मतलब कि भाई सोते सोते भी मैंने मेरी आँख खुली, मैंने यार देखता हूँ, मैंने वहाँ खड़ी है वो ड्रीम बाइक पूरा हो गया।
नीचे बड़ा ड्रीम करके यार। साहिल भाई जब आपने बाइक बाय करी थी तो उसके बाद जो उसका मतलब ब्लैक ही कलर था पूरा या इसके जेन्युइन कलर कुछ और था भाई? ये क्या इतना ब्लॉग बन रहा है इसमें, मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है भाई, मतलब क्यूरियोसिटी कि मतलब ब्लैक ही कलर मिला था भाई। तो ब्लैक यार बता देता हूँ मैं भाई, बताना नहीं चाह रहा, ये रेड और वाइट कलर का इसका। उसी में जो बोल रहा था मैंने रात को, मैंने चेक किया कैमरा में, मॉर्निंग में मैं इसको लेकर गया तो एक्सीडेंट हो गया था उसका। उसको नेक्स्ट डे तो वो मतलब थोड़ा कैसे हुआ, मतलब नेक्स्ट डे भाई कैसे हुआ था? मैं तेज भी नहीं चला रहा था, मैं नॉर्मली बाइक चल रही थी, वो एक ट्रक वाला था, उसने मेरी साइड जैसी मेरी साइड करी ना उससे, मैंने ऐसे कर दिया, तो इतना ऊँची है थोड़ी, तो मैं थोड़ा पैर नहीं रखा गया। और कभी ऐसा नहीं हुआ मेरा बाइक पर एक्सीडेंट हुआ। एक बात और बताऊँगा मैं, शायद ये यामा के साथ मेरे साथ जो है ऐसा, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने यामा चलाई थी ना मुझे पापा ने, वो यहाँ वाली इंडिया वाली आर्मन फाइव, सेम उसका भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। आर्मन फाइव की बात करूँ मैं, सेम उसका ही ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी ऐसे एक्सीडेंट हुआ था दो दिन बाद ही, और उसका चल रही हुआ था, मतलब सारी टूट गई थी आगे से सब जो है। कॉपी मतलब इसकी फेयरिंग वगैरह सब कुछ चेंज कर दी ब्लैक कलर में जो भी, हाँ मैंने इसको पूरा, मुझे चाहिए ब्लैक कलर का। भाई ने भी बताया भाई काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आई बाइक को इंपोर्ट कराने में, और भाई ने 7 साल वेट किया भाई, मतलब डीलर ने कई बार भाई को मैनिपुलेट भी किया कि भाई CBR ले लो, ये ले लो, वो ले लो। उसके बाद भाई बाइक का जो ड्रीम था ना भाई का, वो R6 पे ही था, मतलब जो दिल है पूरा एक जगह रुक गया था कि भाई लेनी है तो R6 लेनी है। 7 साल में काफ़ी सारे लॉस वगैरह हुए, मतलब फिर भी भाई एट द एंड भाई ने फाइनली अपना ड्रीम पूरा किया, R6 ले ली। साहिल भाई जैसे कुछ पुलिस वालों की कुछ दिक्कत वगैरह, क्योंकि आपने कलर भी चेंज करा रखा है और इतनी लाउड भी है बाइक, भाई मैंने बाइक को रिक्वेस्ट पे ही मंगाई है, पर रिक्वेस्ट का नाम होती नहीं है बाइक की, बिल्कुल एक रिस्क मैंने खुद ले लिया, कलर इसको ब्लैक करवा दिया। दिक्कत तो आती है भाई बाइक में यार, वो नॉर्मल बाइक को पकड़ लेते हैं तो इसको कैसे छोड़ देंगे, तो दूर से बहुत बार बचाना मैंने इसको, जितनी मुझसे बचती हूँ उतनी बचाता हूँ। तो साहिल भाई कभी ऐसा भी हुआ है कि मतलब आप नॉर्मली अपनी कॉलोनी में कहीं मतलब छोटी सी राइड पर गए हो या कहीं ऐसी दोस्तों से मिलने गए हो तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया हो, और मतलब जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट होता, मैं बस नियर बाई गया था तो मेरी बाइक पुलिस वालों ने पकड़ ली और मतलब बिना किसी वजह के बंद कर दी, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स बाइक भी होती है तो सुपर बाइक है मेरी, तो स्पोर्ट्स बाइक है तो उनको मतलब ये लगता है कि स्नैचिंग करते हैं या मतलब ऐसे करके मतलब क्राइम सा कर दिया। कहते हैं ना कि इंडिया में मतलब अपना जेंडर मॉडिफाई कराना ठीक है, बट एक बाइक को मॉडिफाई करना क्राइम सा है। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ कभी? हुआ था भाई मेरे घर से 2-4 घर छोड़ कर, अच्छा दूर भी नहीं, 2-4 घर छोड़ के, तो शायद मैंने इसको वॉकिंग के लिए ली थी। अच्छा तो मैं इसको लेकर आ रहा था रात को, एक दोस्त खड़ा था, उसने बोला बाइक का फोन सुना दे रेस करने के लिए, मैंने ठीक है भाई, अब वो पुलिस वाले शायद यहाँ दुकान वकान बंद करवा रहे थे सर, मैंने ठीक है, मैंने बहुत तेज से इसको साउंड सिस्टम निकाला, वो भाई पुलिस वालों ने सुन लिया, मुझे नहीं पता, मैं बस अपने रोड पे ही मैं आ रहा था घर के लिए, तो आगे से उन्होंने रोक दी भाई, मैंने इसको साइड लगाओ, मैंने कहा क्या होगा सर, बस वही अपनी बात है कि ये क्या है क्यों है अच्छा लगता है आपको ये वो, मैंने कहा सर मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, तू कहते तूने अभी ये क्या करा, मैंने कहा अभी सर मैंने झूठ बोला, मैंने सर्विस पे आई है तो वो चेक कर छोड़ने आया था, वो मैकेनिक को चेक कर रहा था, तेरा ये है बंद होगी निकाल इसको, अब वो छोड़ रहा था तो दूसरा पुलिस वाला आ गया, जब ये 2-3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना भाई, भाई सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था सेम, मतलब एक अगर मान रहा है और फिर दूसरा वाला से वो मान रहा था, और वो अंकल जो थे उनके 2 स्टार थे वो मान रहे थे, और जो वैसा होता ना बीट वाला वो आगे हो गया ना, नहीं भाई बंद करूंगा इसे ये बंद होगी भाई, उसमें बे मतलब मैं नहीं जाके बाइक बंद कर दी, बंद कर दी, तो उसके बाद फिर मतलब वही कुछ नहीं, बस फिर वो क्या क्या मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ चेंज वगैरह करवाया भाई? ज्यादा तो कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं, टेल लाइट ये चेंज करा रखे हैं, चेंज है पूरी, इसमें इंडिकेटर भी है, तो ये स्मोक में है इसी में इंडिकेटर मिल जाते हैं, एक बार जला के दिखाना साहिल भाई, तो एक बार इंडिकेटर बंद करना, तो अभी ये पूरी ब्लैक है,
तो अभी मतलब इंडिकेटर बंद है और ये रेड में चल रही है, और अब जैसी भाई इंडिकेटर देंगे तो भाई मतलब काफी स्लीक लुक लगती है। एक तो इसकी टेल इतनी शार्प है ना, ऊपर से लाइट मतलब ऊपर से भाई इसका मतलब कितनी शार्प है, तो काफी सही मतलब लग रही है। नीचे से इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं इसमें इंडिकेटर। और भाई और इसके अलावा और ये पीछे की टेल है, ये भी कार्बन फाइबर, ये सारा कार्बन फाइबर का लगा है, ये भी कार्बन फाइबर है, और ये इधर ये भी कार्बन फाइबर है, और ये आगे और ये वाइजर का भाई ये थोड़ा बड़ा था तो उसको छोटा दिया मैंने, वो अच्छा नहीं लग रहा था, और अच्छा भी नहीं, वो एक्सीडेंट में टूट गया था। ये वाला भी मतलब काफी यूनिक सा है, छोटा सा मतलब काफी अच्छा सा लग रहा है, और रेनबो शेड में है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरा रेनबो शेड मारता है। और भाई जितना भी ये कार्बन फाइबर का जो वर्क हो रखा है ना भाई, ये कोई रैप नहीं है, ये ओरिजिनल है, तो मतलब काफी सही पैसा लगा रखा है भाई ने। और ऑल्सो चेक करो, ये भाई ने इंस्टॉल कर रखा रेस फिट का एग्जॉस्ट फुल सिस्टम है जो की। तो भाई ये आपको मतलब लगा हुआ मिला था या आपने लगाया था जब भाई ने? लगा हुआ ही लगा हुआ है। काफी ज्यादा हमने अभी मतलब फुल तो टोटल दिया भी नहीं है भाई, क्योंकि यार अभी भाई भाई की शॉप पे है, घर भी है, और लोग मतलब बाहर भीड़ हो गई है, इतना ज्यादा लाउड है कि क्या स्टार्ट कर रखा है। तो भाई अब बात करते हैं बाइक की कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि भाई 2014 मॉडल है जैसे भाई ने बताया था, साहिल भाई ने, तो क्या क्या चीज अपने को R6 में मिलती थी, मतलब क्या क्या नहीं, मतलब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जो जो हमें पता है वो बताएंगे। तो फ्रंट से बताता हूँ, फ्रंट से भाई इसमें आते हैं भाई 310mm के फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक दोनों साइड मिल जाते हैं अपने आपको, और फ्रंट में मिलता है 120 सेक्शन का टायर, और देखो मतलब काफी वाइड है ये टायर हमारी बाइक की, एनएस में था, एनएस में बैक साइड में, बैक साइड में ये बैक में था, एक टाइम पे बैक एनएस थी उनसे, उसमें बैक में आता था ये, सेम यही लुकती है फ्रंट में दिया, हाँ सेम यही लुकती है, मतलब इतना ही चौड़ा लगता था। और भाई जो इसके USD फोक है, इसकी जो थिकनेस है 41mm है, मतलब जो हैंडल नीचे से आ रहा है, और मतलब कितना ज्यादा मतलब इसे अग्रेसिव लुक बन रहा है इसका, मतलब कितना ज्यादा जो है मीटर कंसोल फीलिंग मतलब अलग है, जब ये देखो ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये जब जैसी पूरी RPM को टच करती है और नीचे आती है, इसकी फीलिंग भाई मतलब अलग ही है। बैक से देखो भाई, बैक में हमारे को जो इसमें मिलती है डिस्क ब्रेक वो 220mm की मिलती है, और पीछे जो इसका टायर सेक्शन देखो कितना मतलब ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है भाई, मतलब मेरी टांग देख लो और इसका टायर देख लो, मतलब 180 सेक्शन का टायर है भाई रो, और मतलब 599cc का इसमें इंजन आता है, और जो कि 125 BHP प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ज्यादा होती है भाई। तो फर्स्ट गियर में मतलब भाई कितने लेके गए हो भाई? देखा ही नहीं मैंने, मुझे तो पता ही नहीं, मैं यहाँ पहली बात तो यहाँ रोड ऐसे नहीं है बिल्कुल, जो मैं इसको फर्स्ट पहले गियर में ही खींच दूँ भाई, बिली बिली भी लग जाती होगी, अरे कुछ नहीं भाई मैं कुछ नहीं करता, नॉर्मली चलाता हूँ, बहुत सारे एक्सीडेंट नहीं हुए सही है भाई, मेरा खुद मन, और जब मैं इसको कभी जैसे कभी खाली रोड हो गया तो मैंने भगाई ना तो मैं खुद रोक देता हूँ इसको, खुद मुझे डर लगने लगता है इतनी स्पीड होती है इसमें। जैसा कि आपने मेरे को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि भाई लॉस भी हुआ बहुत हुआ, बट जब ये चीज होती है तो भाई आपको लगता होगा पैसा वसूल हुआ। हां बिल्कुल भाई, जब ऐसे लोग जब सबके रिएक्शन होते हैं, ऐसा देख रहा कोई पूछता है आगे, भाई आप भी पूछ लो तो यार, इससे पहले मेरे बाइक थी कोई पूछना ही नहीं कुछ नहीं, कौन सी बाइक है, अरे वैसे ही होगी, इसको रोक रोक के पूछते हैं कि कौन सी बाइक है भाई, जो मजा इसमें वो किसी में नहीं, और मेरा अब मैं इसके बाद कोई बाइक नहीं मतलब मेन ड्रीम पूरा हो गया बस यही है। तो साहिल भाई मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपने बहुत सारी बाइक्स रखी, MV अगस्ता और KTM RC भी थी, कावासाकी निंजा भी थी आपके पास 400, आपके पास एक हाई सॉन्ग भी देखी थी, तो मतलब वो सब आपने मतलब क्यों सेल करी? हाई सॉन्ग तो मैंने उसका थोड़ा लुक बल्कि था इस वजह से ली थी, वो 250 cc, उसके बाद मैं फिर वो उसके बाद कौन सी लाया था, शायद जिक्सर लाया था मैं उसके बाद, अच्छा जब भी यही लेने गया था मैं, और CBR भी चाहिए थी मुझे, जो ऐसी शेप है ना उसकी CBR की,
वो 2007-08 मॉडल है, वो भी वो लेने गया था मैं, मुझे वो चाहिए थी या ये, लेकिन ये तो चाहिए ही थी, अगर ये नहीं मिलती तो मुझे CBR मैं लेता, वो भी नहीं मिली, फिर मुझे वो दे दी यसन बोल रहा वो जिक्सर, मतलब कुल मिला के भाई सेटिस्फाई हो? ऐसा तो नहीं है कि मतलब यार जैसे परेशानी करती है, जाता हूँ बाहर तो मतलब यार पुलिस वाले पंगे करते हैं, ये करते होते हैं, इससे अच्छा जीनो को ले लेता है, कभी रिग्रेट ऐसा तो नहीं लगता? कभी भी नहीं, खुश हो यार, ऊपर वाले का नाम लेके जाता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं, पकड़ेगा पकड़ लेगा, क्या लेगा, पैसे लेगा। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफी अच्छा लगा भाई साहिल भाई से मिलके, और भाई भाई ने दिल खोल के मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं फेक जो था भाई ने वो बताया, अपना जेन्युइन रिव्यू, और बाइक भी हमने दिखाई जितना कवर कर सकते थे और जितना हमें पता था भाई, काफी चीजों में हम गलत भी हो सकते हैं, जितना हमने मतलब हमें नॉलेज था हमने उतना बताया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना इस वीडियो को भाई, क्योंकि और शेयर बनता भी है भाई, काफी रेयर है भाई, भाई मतलब अगर मेरी नजर में तो भाई काफी इंस्पिरेशन है भाई, मतलब जैसे भाई का जो ड्रीम था कि चाहिए तो चाहिए, 7 साल लगे, लेनी है तो लेनी है, मतलब पता भी है कि भाई इसके पेपर्स नहीं है, प्रॉब्लम करेगी, हर चीज होगी, भाई हम भी कुछ सोचेंगे, स्विच कर जाएंगे अपने ड्रीम पे कि यार छोड़ना, एक तो लूँ उसे, उसके बाद भी मतलब पंगे पड़ेंगे, हटा कोई और देख लेता हूँ, अब और भी मॉडल्स हैं, और भी ऑप्शन है, 900 पे जा सकता था बंदा, 10R पे जा सकता था, नहीं भाई, पर बंदे ने ड्रीम को पूरा किया, इसके आगे मतलब कुछ नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना, डू सब्सक्राइब लीन ऑन व्हील्स, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ले लिया भाई।